साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। अभिनेत्री कंगना रनौत को मारा थप्पड़। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को पड़ा चाटा। तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद चुनी गई कंगना रनौत को हस्तपड़ पड़ गया। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। सीआईएसएफ की महिला जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी महिला जवान किसानों पर दिए गए कंगना के बयान से नाराज थी। कंगना ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इस बारे में जानकारी दी। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत दिल्ली आ रही थी। मंडी से रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और लिखा था कि दिल्ली बुला रही है। कंगना रनौत के साथ दिल्ली आते वक्त यह घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई। सीआईएसएफ की महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की सांसद कंगना रनौत UK 707 से दिल्ली के लिए यात्रा कर रही थी। सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब वो वार्डिंग के लिए जा रही थी, LCT कुलविंदर कौर सीआईएसएफ यूनिट चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मयंक मधुर, जो कंगना रनौत के साथ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने भी कुलविंदर कौर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान कहा था कि ये महिलाएं 100-150 रुपए में आ जाती हैं, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। आरोपी महिला कांस्टेबल के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और उसे हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर कंगना को थप्पड़ मारे जाने पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।